और अब बहुत कम वक्त बचा है, दो दिन का वक्त बचा है जब टीम इंडिया को तीसरा टेस्ट मैच खेलना है श्रीलंका के खिलाफ, और टीम इंडिया 2-0 से सीरीज में अजय बढ़त भी बना चुकी है, बस इंतजार है तो क्लीन स्वीप का। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि टीम इंडिया के तेज गेंदबाज उमेश यादव का क्या है फिटनेस फंडा और कैसे अपनी स्पीड को उन्होंने इतने सालों से बरकरार रखा हुआ है। इसके अलावा आपको मिलाएंगे लसित मलिंगा के डुप्लीकेट से भी, हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद है हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह, उनके साथ हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात होगी टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली की, और आपको बताते हैं क्या है विराट कोहली का मिशन 19। वैसे एक अच्छा सहयोग है कि विराट कोहली ने अपने टेस्ट करियर में अब तक 18 जीत हासिल की है, और अगर पलिकल में वो जीते हैं तो 19वीं टेस्ट जीत होगी। साथ ही साथ भारत ने जो 40 टेस्ट मैच श्रीलंका के खिलाफ खेले हैं उसमें भी 18 में जीत दर्ज की है, तो अगर जीतते हैं तो वो भी मिशन 19 का हिस्सा ही होगा। मनीष सर, जितनी हमने क्रिकेट देखी श्रीलंका की, दो टेस्ट मैच देखे, गोल में देखा, कोलंबो में देखा, आपको लग रहा है कि शायद वो रेसिस्टेंस नहीं दिखा श्रीलंका की टीम से, वो टक्कर नहीं दिखी श्रीलंका की टीम से, इसलिए मिशन 19 जो है ये कंप्लीट हो सकता है? बिल्कुल होना ही चाहिए, और मैंने सीरीज से पहले कहा था अगर 3-0 से इंडियन टीम ये सीरीज नहीं जीतती है तो डिसअपॉइंटेड होगी, क्योंकि जिस तरह से श्रीलंका की टीम है इस समय ट्रांजिशन पीरियड में बहुत कमजोर सी टीम लग रही है, और उसके ऊपर जो कॉम्बिनेशन बना वो इंडियन टीम का कॉन्फिडेंस इतना हाई है कि उनको श्रीलंका की टीम काउंटर कर ही नहीं पा रही है, चाहे वो कोई डिपार्टमेंट हो, बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो। ऐसे में मुझे लगता है कि यहाँ भी टेस्ट मैच ज़्यादा देर चलना नहीं चाहिए, क्योंकि इंडियन टीम का कॉन्फिडेंस इतना हाई है। आप बैटिंग डिपार्टमेंट ले लीजिए, बॉलिंग डिपार्टमेंट ले लीजिए, और पिछले मैच में तो बहुत ही खराब पिच थी, विकेट कीपिंग कितनी बढ़िया की रिद्धिमान शाह ने, सो पूरे खाने जो है वो पूरी तरह से टिक्ड है, और इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि एक यूनिट बन रहा है विराट कोहली के अंडर, एक दूसरे की परफॉर्मेंस को एंजॉय कर रहे हैं, वो मैदान के ऊपर दिखता है और उससे पता चलता है कि इस टीम के हौसले कितने। मनीष सर, जो भी हमने क्रिकेट देखी, अगर सेकंड इनिंग छोड़ दी जाए कोलंबो की, उसके अलावा जो भी श्रीलंका की क्रिकेट रही है, इंडिया की बॉडी लैंग्वेज देख के भी ये नहीं लग रहा कि उन्हें जरा सी भी परेशानी हो रही है श्रीलंका से, ना उनके गेंदबाज कुछ असर डाल पा रहे हैं और बल्लेबाजी में भी उनके कुछ दम नजर नहीं आ रहा, तो बहुत ही आसान सब कुछ इंडिया के लिए रहा है और वैसा लग भी रहा है। देखिए, केवल जो सेकंड टेस्ट की आखिरी इनिंग्स थी जिसमें श्रीलंका ने 300 से ज्यादा रन बना दिए, मेंडिस और करुणा रत्न ने जो सेंचुरी, बिल्कुल मुझे लग रहा था वो भी ज्यादा बन गए, वहां पर थोड़ी सी कंप्लेसेंट हो गई थी इंडियन टीम फॉलो ऑन देने के बाद, या फिर उनके बॉलर्स थक गए थे पहली इनिंग्स में बॉलिंग करने के बाद, क्योंकि आर अश्विन बहुत ऑफ कलर लग रहे थे जब दूसरी इनिंग्स में बॉलिंग कर रहे थे। मुझे शक है कहीं ना कहीं उनको कोई ना कोई निगल होगा या कोई इंजरी होगी, अदरवाइज दोनों टीमों का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अगर आप इंडियन टीम और श्रीलंका की टीम का कंपैरिजन करें तो जमीन आसमान का फर्क। जी हाँ, जमीन आसमान का फर्क है, और इसीलिए अर्जुन रणतुंगा जिन्होंने कि 1996 का वर्ल्ड कप श्रीलंका को जिताया था, उनका भी कहना है कि उन्होंने तो श्रीलंका के मैच देखने अभी छोड़ दिए। लेकिन इस दौरे की जो अच्छी बात ये भी रही है कि रविंद्र जडेजा को रिकॉग्निशन मिली है अम्बानी सर, एक अलग तरीके की, क्योंकि अभी तक आप उनको बॉलर समझते थे, कभी आप सोचते थे कि शायद बल्लेबाजी में उनका दम नहीं है, लेकिन जब से ICC के नंबर 1 टेस्ट ऑलराउंडर बने हैं एक अलग मुकाम नजर आ रहा है रविंद्र जडेजा का। देखिए, बेहतरीन प्रदर्शन किया है, हम बातें करते हैं कि टर्निंग ट्रैक्स मिले हैं, लेकिन वो अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर क्रिकेट खेलते हैं और परफॉर्म करते हैं और कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं, और सबसे बढ़िया बात यह है कि साथ में आर अश्विन के साथ इन टैंडम बॉलिंग करते हैं तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते रहते हैं। जो बात मैं बार बार कहता हूँ जडेजा के लिए, उनको अपनी स्ट्रेंथ्स पता है और उस आपे के बाहर वो निकलते नहीं है, उनको पता है कि जिस तरह के पिचेस के ऊपर उनको खेलने को मिल रहा है, एक टिप्पे पे बॉल डालते रहेंगे, 30 ओवर डालेंगे तो 5 बॉलें तो ऐसी गिरेंगी जिसपे विकेट्स मिलेंगी, और उसी वजह से उनको रिजल्ट्स मिल रहे हैं। वो ओवर ट्राई करने नहीं जाते कि पिच में टर्न है तो मैं थोड़ा फ्लाइट कर लूं, थोड़ा तेज कर दूं, ऐसा कुछ नहीं करते, वो अपनी एक लेंथ से बॉलिंग करते रहते हैं। एडवांटेज ये है कि राउंड आर्म एक्शन है तो बॉल हवा में अंदर आती है और पड़ने के बाद बाहर जाती है, और बैट्समैन को भी पता नहीं चलता कि कौन सी सीधी रह जाएगी और कौन सी टर्न होगी। जहाँ तक बैटिंग का सवाल है, इस तरह के पिचेस के ऊपर बहुत इफेक्टिव बैट्समैन भी है, क्योंकि हिंदुस्तान में भी इसी तरह की पिचेस के ऊपर उन्होंने विकेट्स लिए और रन्स भी बनाए, सो वो कॉन्फिडेंस लेके मैदान के ऊपर उतरते हैं। और फिर उन्होंने धोनी को भी धन्यवाद किया है कि वो आज जो भी है धोनी की वजह से है, और उसको कैरी फॉरवर्ड किया विराट कोहली ने। सो अगर कैप्टन की बैकिंग आपके साथ है तो आप ये कर सकते हैं जो जडेजा कर रहे हैं। जी हाँ, लेकिन मनीष सर, तीसरे टेस्ट मैच में रवि जडेजा नहीं होंगे, ऐसे में लग रहा है आपको कि ये एक थोड़ा डिसएडवांटेज इंडिया की तरफ गया है कि शायद वहां पे बच सकते थे अगर थ्रो नहीं करते। चलिए उस चीज को छोड़ देते हैं, कुलदीप यादव अब उनको शायद तीसरे टेस्ट मैच में खेलने का मौका मिलेगा, या आपकी ओपिनियन ऐसी भी, क्योंकि अक्षर पटेल को भी कॉल किया गया है तो विराट कोहली को वहां भी एक कॉल लेनी है? देखिए, कॉल तो लेनी है, डिपेंड करता है कि किसके ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है। मैं तो बल्कि जिस तरह की पिचेस के ऊपर मैचेस हो रहे हैं, मैं शुरू से कह रहा हूँ कि कुलदीप यादव को खिलाना चाहिए, क्योंकि ऐसी पिचेस के ऊपर खेलेंगे और फॉरेन कंट्री में, हालांकि श्रीलंका है पर है तो फॉरेन लैंड, वहाँ पर विकेट्स लेंगे तो आप अंदाज़ा लगाएं कितना कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। यहाँ पर थोड़ी सी चूक हो गई है कैप्टन और कोच से, उनको शुरू से खिलाना चाहिए था, एंड आई होप कि अक्षर पटेल को उनसे पहले ना खिला दें।
जी हाँ, ये भी देखना होगा क्योंकि कई बार खबरें ऐसी भी आई कि अक्षर पटेल को बुलाया गया, लेकिन टीम मैनेजमेंट को जितना हमने रीड किया है, जो खिलाड़ी उनके साथ कंटिन्यू कर रहा होता है पहले, शायद उसको ही चांस दिया जाता है। चलिए बात विराट कोहली की भी करते हैं, क्योंकि गोल में उनके बल्ले से सेंचुरी निकली, कोलंबो में कुछ खास नहीं हुआ, तो उम्मीद ये करेंगे कि सीरीज का जो अंत है विराट कोहली एक और शतक के साथ करेंगे। वैसे सीरीज में अगर आप बल्लेबाजी के लिहाज से याद करेंगे भारत के लिए, तो शायद आपको चेतेश्वर पुजारा ज्यादा याद आएंगे, या पिछले टेस्ट में अजिंक्य रहाणे ज्यादा याद आएंगे, या उससे पहले शिखर धवन की वो 190 रनों की पारी। लेकिन कप्तान कोहली भी इस सीरीज में एक शतक लगा चुके हैं। मनी सर, जब आपके लिए आइडियल कंडीशंस होती हैं, जब आपके लिए सब कुछ आसानी से चल रहा होता है, मुझे लग रहा है कि विराट कोहली भी ये सोच रहे होंगे कि भाई बैती गंगा में मैं भी हाथ दूं, एक और शतक तो मेरे बल्ले से भी निकलना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट लग रहे हैं इस समय, क्योंकि इतनी तारीफें मिल रही हैं, इतना प्रेज मिल रहा है पूरी दुनिया से, और लोग विविन रिचर्ड से भी कंपेयर करना शुरू कर दिया, तो कई बार आपका फोकस चला जाता है, जो कि मुझे लग रहा है, क्योंकि विराट कोहली कंडीशंस जिस तरह की भी हो छोड़ने वाले नहीं है, और ऐसे अटैक के अगेंस्ट तो 100% है कि अगर आपका फोकस और कॉन्सेंट्रेशन लेवल उतना हाई हो जितना आपका बड़ी बड़ी टीमों के अगेंस्ट या बड़े बड़े बॉलिंग अटैक्स के अगेंस्ट होता है, तो आप शतक पे शतक लगा सकते हैं। सो कहीं ना कहीं अपने आप को फिर से गैदर करना पड़ेगा विराट कोहली। जी हाँ, और आइडियल सिचुएशन है उनके लिए पलिकल में, अगर फिर से टॉस भी जीता है, क्योंकि दो बार अगर इस बार भी जीते चांस पूरा रहेगा उनके पास। चलिए बात करते हैं भारत के तेज गेंदबाज उमेश यादव की, जिनकी गेंदबाजी पिछले कुछ सालों में शानदार रही है। क्या खास वजह रही जिसकी वजह से उमेश यादव ने कमबैक किया टेस्ट टीम में और अब एक रेगुलर मेंबर बन गए, खुद बता रहे हैं उमेश यादव। बात करते हैं टीम इंडिया के ओपनर अभिनव मुकुंद की, जिन्होंने एक बड़ा सवाल उठाया है रंगभेद और नस्ल भेद को लेकर। अभिनव मुकुंद ने कहा है कि उनको कई बार निशाना बनाया गया, और अब उसका जवाब अभिनव मुकुंद ने अपने ही अंदाज में दिया है। दुनिया आगे बढ़ गई है, लेकिन कुछ लोगों की सोच जो है वो वहीं पर रुकी हुई है। मनी सर, आपको लग रहा है कि अच्छा हुआ अभिनव मुकुंद ने ये मुद्दा उठाया, सिर्फ उनके लिए नहीं लेकिन जो लोग इस तरीके के रंगभेद या नस्लभेद का शिकार हो रहे हैं, कम से कम उनके खिलाफ लोग रुकेंगे यहाँ पर और उनको समझाएंगे कि इस तरीके की चीज़ें ठीक नहीं है। बिल्कुल, देखिए काफ़ी फर्क पड़ चुका है एक्चुअली, जो पहले हुआ करता था और आज लोग रियलाइज करते हैं कि ये काला और गोरा रंग ये कोई ऐसी बात नहीं है, दिल अच्छा होना चाहिए। लेकिन बहुत अफसोस होता है जो लोग इस तरह के कमेंट्स करते हैं, जैसे वो बता रहे हैं कि उनके उनको अलग अलग नामों से बुलाया जाता था, वो ये नहीं समझ पाते कि आप किस तरह से हर्ट कर रहे हैं किसी इंसान को और किस तरह से स्कार्स लगा रहे हैं किसी इंसान के ऊपर। मुझे बहुत हैरानगी होती है कि हम ये काले गोरे के उसमें अभी भी फंसे हुए हैं। जो लोग फंसे हुए हैं, मेरी उनसे यही दरख्वास्त होगी, निकलें इससे, इंसान का दिल देखें। जी हाँ बिल्कुल, इंसान का दिल देखें, ये बड़ी चीज़ है, और शायद बिल्कुल सही अभिनव मुकुंद ने ये सवाल भी यहाँ पर उठाया। लेकिन मनी सर, बहुत ज़्यादा ये पहले एथलीट्स के बारे में ज़्यादातर कहा जाता था जो अफ्रीका की तरफ से आते थे, आपके उसमें एरा में कभी कुछ आपने ऐसा सुना कि इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आई हो? नहीं नहीं, किसी प्लेयर को प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि नाम से ज़रूर बुलाया जाता था, और जैसे उन्होंने बताया वो साउथ ऑफ इंडिया से आते हैं जहाँ की बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो वहाँ पर स्किन बहुत जल्दी काला भी हो जाता है इंसान का। सो जब जो भी साउथ से खिलाड़ी आते थे, मैंने कई लोगों को उनको अलग अलग कमेंट्स देते हुए देखा है, कई बार मैदान के ऊपर भी मैंने देखा है, जब मैचेस हो रहे थे कुछ खिलाड़ी उनके ऊपर एक विशेष टिप्पणी कर देते थे उनके रंग के ऊपर, और फिर मुझे समझाना पड़ता था कि ये आप क्या कर रहे हैं, ये आप जैसी भी स्लेजिंग करें लेकिन ये वाली गलत है। जी हाँ, ये वाली गलत स्लेजिंग है और शायद ऐसा होना भी नहीं चाहिए। मनी सर, हमारे साथ जुड़े थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, न्यूज़ नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी। नमस्कार।